हे गाइस, मैं हूं आदिल और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर या पीसी से प्रधानमंत्री को कोई भी सुझाव या शिकायत कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपने किसी भी स्मार्टफोन या कंप्यूटर या पीसी के गूगल क्रोम या और भी ब्राउज़र पर आ जाइए और यहाँ गूगल पर सर्च कीजिए पीएम इंडिया। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने पहले नंबर पर इसका लिंक आ जाएगा। देखिए, लिखा है pmindia.government.in, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अगर गाइस आप स्मार्टफोन में ये चला रहे हैं तो यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए और स्क्रॉल करिए नीचे। यहाँ पर डेस्कटॉप साइट लिखा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो गाइस, आपका मोबाइल बिल्कुल पीसी या कंप्यूटर की तरह चलने लगेगा। अब गाइस, यहाँ पर लैंग्वेज लिखा है, आप इस पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने तमाम लैंग्वेज आ गई हैं। आप जो लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, हिंदी, बंगाली, गुजराती, कनाडा, मलयालम। तो मैं हिंदी करना चाहूँगा, हिंदी पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद गाइस, यहाँ पर सूची लिख आ रहा है और फोर लाइन दिख रही हैं, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर सबसे एंड में देखिए गाइस, यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करें, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो गाइस, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है अपने विचार, सुझाव, राय यहाँ साझा करें। यहाँ से आप अपने कोई भी सुझाव प्रधानमंत्री को साझा, विचार साझा कर सकते हैं। लेकिन हमें इस वीडियो में बताना है कि आप प्रधानमंत्री को शिकायत कैसे करें। तो आप यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री को लिखें, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज सामने आ जाएगा। यहाँ पर लिख कर आ रहा है, डू यू वांट टू गिव आइडियाज सजेशन टू हेल्प फाइट कोरोना वायरस, कि आप प्रधानमंत्री को कोई सजेशन देना चाहते हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। अगर आप यस पर क्लिक कर दें तो दूसरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और आप सजेशन दे सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर शिकायत करनी है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिए। अब गाइस, आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आ गया है। इस फॉर्म में यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, तो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद गाइस, आप नाम डालने के बाद आपको अपना कैटेगरी चूज करनी है, आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं या अन्य कोई भी हो। उसके बाद गाइस, आप यहां पर अपनी कंट्री चूज़ करिए, जैसे भारत, ये कंट्री अपने आप ही ऑटोमेटिकली चूज़ हो जाएगी। वैसे भी अगर नहीं हो तो आप अपनी कंट्री चूज़ कर सकते हैं, मैंने भारत। अब यहां पर आप अपना एड्रेस डाल दीजिए, एड्रेस के लिए यहां पर तीन बॉक्स दिए गए हैं तो आप एड्रेस डाल दीजिए। अब उसके बाद गाइस, आप नीचे आएंगे, यहां पर आप अपना सिटी का पिन कोड डाल दीजिए। उसके बाद गाइस, अपनी आप स्टेट चूज़ करिए। देखिए, जैसे मैं कर देता हूँ अपनी उत्तर प्रदेश। उसके बाद गाइस, आप अपनी नीचे आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट चूज़ करिए, तो मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर देता हूँ इटावा। अब गाइस, अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप यहाँ पर लैंडलाइन नंबर डाल दीजिए, नहीं है तो इस कॉलम को छोड़ दीजिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें मोबाइल नंबर डाल दीजिए आप अपना, तो मैं डाल लेता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप नीचे आ जाइए। अब यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए, अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो आप ईमेल आईडी बना लीजिए फिर डालिए, क्योंकि ईमेल आईडी डालना मस्ट है। गाइस देखिए, जिन जिन चीज़ों के आगे ये स्टार दिख रहे हैं ये आपको भरना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, जैसे नाम,
उसके बाद पता है इसमें, अभी देखिए पिन कोड राज्य इसमें नहीं है तो आप चाहे भर भी सकते चाहे नहीं भर। देखिए मोबाइल नंबर के आ गए है तो आप मोबाइल नंबर भरना मस्ट है, ईमेल आईडी भी भरना मस्ट है, श्रेणी कैटेगरी ली है ये भी भरना मस्ट है। अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे श्रेणी पर तो आपके सामने बहुत से सामने आपके सामने आर्टिकल आ जाएंगे। ऐसे यहाँ पर लिखा है लोक शिकायतें, अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो शिकायतों पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव प्रतिक्रिया पर क्लिक कर दीजिए। और भी अभिवादन शुभकामनाएं जो भी देना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो हम यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं तो आप लोक शिकायतों पर क्लिक कर दीजिए। गाइस देखिए यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा है, इसमें आप 4000 अक्षरों में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो। और गाइस इस बात का विशेष ध्यान रखिए यहाँ पर स्पेशल करेक्टर लाइक लिखा है, इस पर ये जो भी अक्षर बने हैं इसका आपको शिकायत के अंदर यूज़ नहीं करना है। अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपकी शिकायत रिजेक्ट हो जाएगी, आप इसे सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब आप नीचे आएंगे तो आपके साथ ये लिखा है आपके सामने, क्या आप PDF अटैचमेंट अपलोड करना चाहते हैं? अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं इसके साथ तो यहाँ हाँ पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ फाइल्स पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आ जाएगा। डॉक्यूमेंट आपको PDF में देना है। अगर आपका डॉक्यूमेंट JPG फॉर्मेट में है तो आप इसे PDF फॉर्मेट में कर लीजिए। मुझे नहीं करना है तो यहाँ रद्द करें कैंसिल लिखा है इस पर क्लिक कर दीजिए। अब गाइस नीचे आ जाइए, यहाँ पर लिखा है कृपया इमेज में दिए गए संकेताक्षर को नीचे बॉक्स में भरिए। अब यहाँ पर आपको देखिए कैप्चर डालना है, कैप्चर डाला है 176 कैप्चर डालकर यहाँ पर सबमिट लिखा है, सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर इसमें डाला है उस मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, मैसेज में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, उस मैसेज को डिलीट ना करें, उस मैसेज को आप सेव कर लें मोबाइल में। अगर आप अपनी शिकायत का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आप नया पेज ओपन कीजिए, यहाँ पर गूगल पर सर्च कीजिए PG पोर्टल। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर पहले ही नंबर पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा pgportal.government.in, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। गाइस पहले की तरह ही आप यहाँ 3 डॉट पर क्लिक कीजिए और इसे डेस्कटॉप साइट पर कर दीजिए। आप यहाँ से भी अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप करना चाहते हैं, तो मैं इसे इंग्लिश में ही रहने देता हूँ। और गाइस उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है ग्रीवेंस, देखिए इस पर आप क्लिक कर दीजिए और व्यू स्टेटस पर क्लिक करिए। गाइस जो आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर आया है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर डाल दीजिए। अगर आपके सामने इस रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में से कोई भी एक चीज़ डाल दें यहाँ पर। और डालने के बाद यहाँ सिक्योरिटी कोड 91 53 88 है, इस ये कैप्चर डाल दें और यहाँ सबमिट कर दें तो आपके सामने एक इसका स्टेटस आ जाएगा। तो गाइस आज आपने जाना कि आप प्रधानमंत्री को अपनी कोई भी शिकायत कैसे करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में करके बता दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नमस्कार दोस्तों।